नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों दिशा और दूरी वाले क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं ये। दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन या फिर जो है डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये रीजनिंग का चैप्टर में आता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो SSC का कोई एग्जाम हो गया, चाहे वो दोस्तों जो है रेलवे का कोई एग्जाम हो गया, पुलिस का, और भी जो आपके एग्जाम UPSC के, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है MTS से लेके GD तक में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिशा याद होना चाहिए, तो दिशा बनाने के लिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो है ऊपर जो होता है वो आपका उत्तर होता है और राइट साइड में जो होता है वो पूर्व होता है, और उसके ऊपर के नीचे क्या होता है दक्षिण, तो यानी कि उत्तर का आपका दक्षिण हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ये पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इतना आपको याद होना चाहिए दिशा। अब इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है, तो मान लेते हैं कि ये आयताकार हॉल है और इसमें जो जो है एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों जब ये ऐसे आप देखिए दिशा आपका ये है, तो इधर आपका पूर्व हो जाए, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक है। तो ये इसी को देखते रहिए, इसी से आप दिशा को पकड़िएगा, ठीक है। तो जो के का मुंह है वो पश्चिम की ओर है, तो जब एंट्री हो रही है तो के की तरफ, के का जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है, तो एंट्री हो रही प्रवेश करते समय, यानी कि जो गेट होगा वो पूर्व की तरफ होगा, तभी तो ये घुसेगा। तो क्या होगा, यहां से घुस रहा है तभी तो इसका पश्चिम की, पश्चिम इधर है तो पश्चिम की तरफ मुंह है। आगे देखते हैं, फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है, यानी इसके बाद दोस्तों क्या करता है, वो जो बाएं कोने पर जाने के लिए क्या करता है, तिरछे दोस्तों ये विकर्ण पर चलता है, यानी यहाँ पर था उसके बाद दोस्तों इसने विकर्ण पर चला है, सीधे सीधे आपको ये पता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो पहले ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर दोस्तों जो है सॉरी के का जो मुँह था वो एंटर करते समय हॉल में वो था किधर, पश्चिम की ओर था दोस्तों, तो लेकिन विकर्ण पर चलना है, विकर्ण पर चलने के लिए या तो पश्चिम की तरफ यहाँ से गेट लगा हुआ होगा या तो इधर, ठीक है, क्योंकि विकर्ण पर चलना है, इसलिए यहाँ आप मानेंगे कि यहाँ से दोस्तों ये एंटर किया और विकर्ण पर ऐसे चला, ठीक है, विकर्ण पर ये ऐसे चला। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो है इसका मुख जो है किस दिशा की ओर है, तो दोस्तों यहाँ से ये चलना शुरू किया था और इधर की तरफ इसका मुँह है, और ये कौन सी दिशा है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका पूर्व हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो दिशा है वो पश्चिम, यहाँ पर अगर बीच में करेंगे तो पश्चिम और दक्षिण है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार से अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुंचकर वह अपने बाएं मुड़ता है और सीधे चलता है, यदि वह अब पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, ठीक है, तो वह सड़क पार करते समय किस दिशा में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और लास्ट में स्थिति बताई गई हो, देखिए बताया गया यदि अब वह पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, तो ठीक आपको उल्टा चल देना होता है, यानी हम मान लेते हैं क्योंकि मानना क्या है, ऐसे ही दिशा है ही, ये ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका पूर्व हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो लास्ट जो स्थिति बताई गई है वो हमको बताई गई कि पश्चिम की ओर सम्मुख है, मतलब पश्चिम की ओर देख रहा है, ठीक है। अब इससे जस्ट पीछे आते हैं, तो क्या बोला गया था, ठीक है, अगर पश्चिम की ओर सम्मुख है तो अब इससे पीछे क्या हुआ था, दूसरी ओर पहुंचकर वह बाएं मुड़ता है, यानी दोस्तों जब ये बाएं मुड़ा होगा, जैसे भी ये होगा, जब ये बाएं मुड़ा होगा तब ये सम्मुख हुआ होगा। तो जब हम ऐसे खड़े रहेंगे ऊपर की तरफ देखते रहेंगे, तभी जब हम बाएं मुड़ेंगे, तभी जब हम बाएं मुड़ेंगे तो ये हो, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो बाएं मुड़ने से पहले हम कहाँ थे, हम ऊपर की ओर देख रहे थे, ऊपर यानी कि उत्तर की ओर हम देख रहे थे, ठीक है, देखिए सीधे चलता है। अब इससे पहले ध्यान दीजिएगा, इससे पहले दोस्तों हम किधर चल रहे थे, तो दोस्तों हम ऊपर की ओर चल रहे थे और घर हमारा ये है, घर में से हम निकले, ध्यान दीजिएगा, अपने घर से बाहर आने के बाद, तो जेड यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, उससे पहले तो कुछ मुड़ा नहीं है, ठीक है, दूसरी ओर पहुंचकर वह बाएं ओर मुड़ता है, बाएं मुड़ा, ठीक है, और सीधे चलता है, तो सीधे चला, थोड़ा सा मुड़ा, फिर सीधे चल रहा है, अब वो पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में होगा। तो दोस्तों देखिए, जब दिशा किस दिशा में होगा ये बोला जाएगा, तो ये दक्षिण में है,
दक्षिण में, क्योंकि ये जगह कहाँ है, ये दक्षिण में, देखिए नीचे दक्षिण होता है तो नीचे दक्षिण है। लेकिन अगर यही पूछा गया होता कि किस ओर सम्मुख था तो ये उत्तर की तरफ सम्मुख था, लेकिन पूछा गया किस दिशा में होगा तो दोस्तों ये था कहाँ पे, दक्षिण में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बस बात को समझिएगा, आंसर दे लेंगे, ठीक है, घुमाया गया है हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा, तो वह किस दिशा की ओर चल रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले बना लीजिए, बना इसलिए रहा हूँ, ऊपर उत्तर हो जाएगा तो उसके नीचे दक्षिण हो जाएगा, और दाहिने आपका पूर्व हो जाएगा तो उसके उल्टा आपका पश्चिम हो जाएगा, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। पार्वती जो है दक्षिण पूर्व दिशा, यानी दक्षिण ये हो जाएगा और पूर्व ये, यानी यहाँ से ये, यहाँ पर अगर पार्वती है तो दक्षिण पूर्व, यानी कि दोस्तों बीच में, ठीक है, दक्षिण पूर्व यानी इधर ये चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक है। वह ठीक 90 डिग्री, तो यहाँ पर अगर ये है, यहाँ पर ये चल रही थी, ठीक है, तो 90 डिग्री ठीक जो है दाएं मुड़ रही है, तो अगर इधर चल रही है तो दाहिना किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो इधर मुड़ रही है, इधर मुड़ी 90 डिग्री, तो यहाँ तक आएगी, ठीक है, यानी इधर मुड़ी, उसने चलना जारी रखा तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ आपका पूर्व हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दक्षिण और यहाँ हो जाएगा पश्चिम। और जब 90 डिग्री यहाँ चल रही थी, ठीक है, यानी पूर्व और दक्षिण के बीच में, तो दक्षिण पूर्व तभी तो है, चल रही थी, अब 90 डिग्री जो है दाहिने, दाएं जो मुड़ी थी, तो क्या हो जाएगी, अब इधर चल रही है, तो ये स्थिति क्या है, ये है पश्चिम और दक्षिण की स्थिति, तो दक्षिण पश्चिम जो ऑप्शन नंबर होगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। 90 डिग्री इधर घूम गई, 45 डिग्री ये, फिर 45 डिग्री ये, एक लाइन जो होता है वो आपका 180 का होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये क्योंकि यहाँ थी, आधा पे थी, तो आधा पे फिर आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्थिति जो है पश्चिम और दक्षिण की, या फिर दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, ठीक है, इस बीच की स्थिति यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, आरपीएफ कांस्टेबल में, तो यहाँ पर ये ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ये मैं बना इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो इधर ये चल रहा था, पश्चिम यही है पश्चिम, तो यहाँ से ये इधर चल रहा था, पहले वह दाईं ओर यहाँ मुड़ा, ठीक है, तो यानी कि दायां इसका ऊपर हो जाएगा, ऊपर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर आप इधर मुड़ गया, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये फिर दोस्तों जो है पश्चिम की ओर ही जा रहा है, यानी इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता आंसर कि जो प्रारंभिक स्थिति है, यानी प्रारंभिक स्थिति ये वाली है, तो इससे किस दिशा में है, तब आपका रहता उत्तर और क्या है ये वाला जो है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इसकी स्थिति हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, सिर्फ दिशा पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका फिर आप पश्चिम में ही ये जा रहा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ आसान आसान से क्वेश्चन थे, ठीक है, दिशा वाले। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।